नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज बुधवार 16 अक्टूबर, आज आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ जगह में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल, माहे, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही रायलसीमा, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में आज व्यापक रूप से बादल गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारैकल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी अच्छी बारिश के साथ थोड़ा गर्ज चमक की संभावना है। ओडिशा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी आज बादल गर्जना के साथ छिटपुट बारिश हो सकते हैं। उसी के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी आज कहीं कहीं बादल गर्जना के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। कल गुरुवार 17 अक्टूबर, कल दक्षिण भारत और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक रूप से बादल गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कल पूर्वोत्तर भारत के कुछ जिलों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इधर उधर बादल गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कल लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक और टूटा हुआ फटा डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज सुबह 5:30 बजे ये डिप्रेशन चेन्नई से 360 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 390 किलोमीटर पूर्व और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज शाम से कल सुबह तक पुडुचेरी और नेल्लोर के बीच, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की संभावना है। अरब सागर के पश्चिम मध्य हिस्से में बना छपरी डिप्रेशन 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कल 15 अक्टूबर की रात को 10:30 से 11:30 बजे के आसपास ओमान के तट से टकरा के अपने टट्टू टिका चुका है। अब ये एक रेमनेंट लो के रूप में ओमान के तट पर स्थित है और धीरे धीरे अपना विनाश निश्चित कर रहा है। एक भिन्न चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव अभी भी पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जो लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर क्षेत्रों में भी वही 900 मीटर की ऊंचाई तक एक दुर्बल चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव है। वैसे आईएमडी दावा कर रहे हैं कि पूरे देश से मॉनसून की विदाई हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। आईएमडी हड़बड़ी में गड़बड़ी ही करती जा रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आईएमडी का ही वेबसाइट है जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग किया जाता है वेदर स्टेशन से डाटा लेकर। जिन जिन एरिया से आईएमडी ने मॉनसून की विदाई की घोषणा करी है, उन्हीं क्षेत्र में बीते 24 घंटे में बारिश दर्ज हुआ है। ये सब जो डाटा इधर दिख रहा है वह सब रियल टाइम में ऑब्जर्व किया हुआ डाटा है। ऐसे भी कहीं कहीं एरिया है जहां पर 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुआ है बीते 24 घंटे में। पता नहीं भैया, ये मॉनसून की विदाई दिखाने के चक्कर में आईएमडी के लोग भस्म सूंघ लेते हैं या नहीं, खुद के ही डाटा पर गौर नहीं फरमा रहे। और इसको ही देखते हुए किसी ने तो इस पर मोहर ही लगवा दी। बोल रहे हैं कि अभी दक्षिण पश्चिम मॉनसून महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ तेलंगाना से वापसी नहीं हुआ था, इसलिए दक्षिण भारत के साथ इन इलाकों तक उत्तर पूर्वी मानसून में बदल गया है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, मानते हैं तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है, लेकिन ये महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कब से दक्षिण भारत के राज्य बनने लगे भाई? भूगोल की मैया ही पोत दी आपने। वैसे हमें ये लगता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की संपूर्ण रूप से विदाई 21 से 31 अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता। और साथ ही अगर उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो अभी तक दक्षिणी भारत के जिलों में उत्तर पूर्वी हवाएं संपूर्ण रूप से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वहीं 21 से 31 अक्टूबर के आसपास ही दक्षिणी भारत के राज्यों में धीरे धीरे उत्तर पूर्वी हवाओं का इन्फ्लुएंस दिखता रहेगा। और अभी जो बारिश दक्षिणी भारत में हो रहा है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण नहीं, जो डिप्रेशन बना हुआ है वह उत्तर पूर्वी हवा को खींच रहा है दक्षिणी भारत के राज्यों में, जिसके कारण से भी वहां बारिश और बढ़ रहा है। खैर, इस पर और ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं करेंगे, जो सच है वह आपको दिखा दिया है। बाकी अगर इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन या फिर क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कर सकते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बने हुए टूटे हुए डिप्रेशन के चलते इस सप्ताह के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में, खासकर केरल, माहे और कर्नाटक में व्यापक रूप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप, रायल सीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बारिश जारी रहेगी। साथ ही आज उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, और कल उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु और रायलसीमा में भी आज और कल के दौरान बारिश होगी। उसी के साथ केरल और दक्षिणी कर्नाटक में आज और कल भी भारी बारिश संभव है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे आज और कल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य हिस्से में समुद्र में न जाएं, और समुद्र में गए मछुआरों को तटों पर समय पर लौटने की सलाह दी गई है। अब पश्चिम भारत में देखें तो आज और कल कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि फिर भी इधर उधर छोटे मोटे बादल बन सकते हैं, और मध्य और पूर्वी भारत में भी कुछ जगह पर थोड़े समय के लिए बादल बन सकते हैं, उनमें से थोड़ा बूंदाबांदी भी संभव है, लेकिन बाकी के समय में मौसम ज्यादातर शुष्क और गर्म ही रहेगा। वही पूर्वोत्तर भारत में इधर उधर थोड़ा बहुत बारिश जारी रहेगा, उधर ज्यादा बारिश की अंदेशा नहीं है, हालांकि वहां एक दो स्थानों में थोड़ा बहुत भारी बारिश हो सकता है। धीरे धीरे पूर्वोत्तर भारत से अगले 5 दिनों के दौरान बारिश में और कमी आना शुरू होगा। जैसा कि बोले थे, अरब सागर के पश्चिम मध्य हिस्से में बना छपरी डिप्रेशन कल 15 अक्टूबर के रात को 10:30 से 11:30 बजे के आसपास ओमान के तट से टकरा के अपना गु निकाल चुका है, और एक रेमनेंट लो के रूप में ओमान के तट पर समाधि में लीन हो रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक और टूटा हुआ पटा डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज शाम से कल सुबह तक पुडुचेरी और नेल्लोर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की संभावना है। लेकिन इन सब के बाद एक और नया उत्पात होने जा रहा है, वह भी बंगाल की खाड़ी में, जिस पर विस्तार से चर्चा होगा आज। कई सारे मॉडल्स अब संकेत को और स्पष्ट तरीके से दिखाना शुरू किया है कि अक्टूबर के 22 से 27 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम उभर के आ सकता है, जो आगे जाकर सशक्त होकर एक मार्जिनल साइक्लोन बन भी सकता है। और संकेत ये भी मिल रहे हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक कहीं भी ये तूफान जा रहा है या जा सकता है। हमारे तरफ से अनुमान यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा सिवियर साइक्लोन या फिर वेरी सिवियर साइक्लोन भी हो सकता है अभी के लिए। लेकिन अब इसके साथ रैपिड इंटेंसिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी कितना है वो अब देखने वाला विषय होगा, क्योंकि तब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसा होगा वो भी देखना होगा। वैसे ठीक ठाक रहने के ही उम्मीद है, और कंडीशंस अगर कुछ ज्यादा ही अनुकूल रहा तो फिर एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन तक भी बन सकता है, लेकिन उसका चांस अभी फिलहाल हम कम ही रखना चाहेंगे। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिलने तक
हम कुछ भी अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिलहाल आप लोग ये पकड़ के चलिए कि अक्टूबर के लास्ट 10 दिन के अंदर तूफान बनने का संभावना ज्यादा है, जिनसे मुख्यतः दक्षिण और पूर्वी भारत प्रभावित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक रहने वाले लोगों को आने वाले इस तूफान के बारे में और इसके संभावित प्रभाव के बारे में अवगत और सतर्क होने के दरकार है। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। हम केवल यह सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो दोस्तों, यह था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हां, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।